What you have to do, see this last class, due to some distractions, we have left the problem halfway. Now, here what happens is, uh, what is E1? ER is equal to E1, E2, E1 into E2 cos 120. Cos 120 is what? Cos 120 is what? Minus half. Cos 120 is what? Minus half. Then what will happen here? रिसलटेंट इलेलक्ट्रिक फीलड इज इक्वल टू स्क्वय रूट ऑफ वाट यू रेट एम स्क्वयर प्लस एम स्क्वयर एम स्क्वयर प्लस एम स्क्वयर प्लस टू दिस ग एम इंटू एम एम स्क्वयर प्लस इंटू माइनस माइनस एम स्क्वयर करेक्ट दिस टू गेट कैनस दि स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वयर इज ईक्वल टू एम एलेक्ट्रिक रिसलटेंट इंट्र सिटी वाट एम इट सेलफ वाट इज एम इ दिस इज एम नो के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू एक्स स्क्वायर, ओके के क्यू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज केट वन बाय फोर पाई सोल नॉट क्यू इज़ वाट वाट इज क्यू इयर क्यू इज़ थ्री नाइनो यर इल्सो थ्री नाइनो कुलूम मैग्निट्यूड ऑफ द चार्ज थ्री नैनो कुलूम बाय एक्स स्क्वायर व्हाट इज एक्स पॉइंट जीरो वन देने से पॉइंट जीरो वन टू पवर ऑफ मैनस वाइंट जीरो वन होल स्क्वयर नौ इउट दिस नईन इंटू टू द पवर ऑफ नईन इंट थ्री इंटू नान मीन ट्वें टू पवर ऑफ मैनस्य दिस टू पवर ऑफ माइनस वन दोल स्क्वय दिस वन गोस ऑफ नईन इंटू नईन थ्रीजा ट्वेंटी सेवन दिस टू दवर ऑफ

ट्वेंटू पावर ऑफ माइनस टू आर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटू पावर ऑफ टू आर ट्वेंटी सेवन इंटू हंड्रेड आर टू सेवन जीरो जीरो न्यूटन पर इलेक्ट्रिक पर्कलम इज़ व्हाट? न्यूटन पर पर्कल नव विच डायरेक्शन दट इस इंपॉर्टेंट पैरल टू रिजलट पैरल टू एबी पेरल टू एबी बी पैरल वाट एंगल इट मेक्स दिस इज ईक्वल ना दिस इस 120 दिस बी 60 डिग्री करेक्ट द रिजल्ट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री और यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो सी सपोज दिस इज़ ई वन दिस इज ई टू बोथ आर इक्वल टू एम एंड थीटा इज इक्वल टू 120 Right, this is the resultant, ER. Your PUC first year PUC learned now. This is P. This is Q. This is R. This is theta. This is alpha. Or whatever it is, right? The, this is P. This is Q. Alpha is between cities You remember this one now? P, Q, R. This is alpha. थीट राइट डिवर सुन वट इसवल स्क्वयर री स्क् प्लस क्यू स्क् प्लस टू पिक्यू काटा दट हाट इज आल टन आलफा ईक्वल टू क्यू सहन थीट पी प्लस क्यू कास्तीटा What is Q? Q is equal to, Q is also what happens? All are M only. This is also M. This is also M. Right? Therefore, what you get? Q also M. Sin theta is what? 120. Sin 120 plus, this is also M. Plus M cos 120. What is sin 120? Same thing, you can do this one. Right? Sine 180 minus Sine comes in which quadrant? See. Sine 120, 120 Means what? 180 sine 180 minus 60. Correct? 180 minus Sine coming in the second quadrant. Right? 60. Therefore, sine comes in the second quadrant. Therefore, sine 60 all are positive. Sin 60 is what? You have done no? Sin 60 root 3 by 2. Root 3 by 2. Therefore what do you get here? M. Sin 120 is what? Root 3 by 2. M plus M. Cos 120 is what? Minus half. Right. Here what you get? M you take common factor here. वन मैनस रूट थ्री बै टू एम एम गिट कैनस रूट थ्री बई टू डिड वाइनस दिस दिस कैनस दिस टैन आलफा नो वेर इज टैन आलफा टेन आलफा इज ईक्वल टू रूट थ्री टेन आलफा इज ईक्वल टू रूट थ्री रूट थ्री करेस्पंड टू सिक्सटी डिग्री दर आलफा इज ईक्वल टू 60 degree that means this is 60 degree directly control therefore this particular sum if you understand now you can do almost all sums right